हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस है, पेपर सेकंड। इसमें हमारा आज का टॉपिक है संघीय व्यवस्था व केंद्र राज्य संबंध। फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था मींस संघ किस प्रकार से होते हैं। तो अगर हमें पढ़ना यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि संघीय व्यवस्था के रूप किस तरीके से होते हैं। तो साधारणतः केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है, उसके आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था। उसी को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण व एकत्रण के आधार पर विश्व की राजनीति व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, एकात्मक संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? क्योंकि एकात्मक जो राज्य होते हैं वो उन एकात्मक सरकार शासन व्यवस्था उन राज्यों के लिए उपयुक्त होती है जहां छोटे राज्य हो, जनसंख्या समान जनसंख्या निवास करती हो, अधिक धर्म जाति व समुदाय के लोग ना रहते हो, तो उस राज्य में शासन करना सिंपल होता है, तो एकात्मक सरकार वहां सही होती है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, श्रीलंका, इस तरीके की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरा है संघात्मक। बड़े जो राज्य हैं, जो एरिया वाइज बहुत बड़े हैं और जहां पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसमें विभिन्नताएं हैं, धर्म अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं से जुड़े लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, तो उन क्षेत्रों पर जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं और काफी बड़ा समुदाय है, वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था इजी रहती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार केंद्र व राज्यों के बीच में सरकार के जो शक्तियां प्राप्त है, या तो वो एक ही जगह एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगी या वो विभिन्न समुदायों में विभक्त होंगी। तो उस आधार पर विश्व की जो राजनीति है उसे दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक व संघात्मक। एकात्मक सरकार से तात्पर्य है, एकात्मक व्यवस्था में प्रत्यक्ष संप्रभु के हाथों में राज्य सत्ता केंद्रीकृत होती है। मीन्स जो व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है वह राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ रहा उसी में निहित होती है सारी पावर, सारी शक्तियां, वही एकमात्र कार्यकर्ता होता है। पूरी जो भी शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर उसी के हाथ में होती है। उसके विपरीत संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान द्वारा स्थापित व नियंत्रित विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। जैसे संविधान, वहां के संविधान द्वारा कुछ इकाइयां निश्चित की गई हैं, कुछ राज्य हैं जो उसी संविधान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उसी के द्वारा वहां शासन होता है। उनके बीच जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच शक्तियों का वितरण होता है, तो वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जैसे हम अपने भारत को देखें तो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह ना तो एकात्मक है और ना संघात्मक है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से विशेष उनके विशेष क्वालिटीज ली थी, उनके बहुत अच्छे बेहतरीन गुण लिए, लेकिन भारत एक विशाल जनसंख्या और विभिन्न जाति संप्रदाय वाला देश है और बहुत विस्तृत इसका एरिया है, यहाँ अलग अलग राज्य हैं, तो वहां संघात्मक सरकार किस प्रकार से होगी? तो इस तरीके से अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक व एकात्मक दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध संघात्मक का नाम भी दिया है। अब बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो होती है उसके क्या क्वालिटीज हैं। अगर संघीय व्यवस्था में देखा जाए तो तीन प्रमुख उसकी विशेषताएं होती हैं, वो निम्न है। राज्य का संविधान देश की सर्वोच्च विधि, इसकी पहली क्वालिटी है कि कोई भी संघीय व्यवस्था होगी, कोई भी फेडरल सिस्टम होगा, वहां राज्य का जो संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे देश की सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करेगा। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो जानते हैं राज्य का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो भारत में जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च विधि है, क्योंकि वो ऐसे संघ का निर्माण करता। हमारे संविधान में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था के नाम के स्थान पर क्या नाम दिया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का एक संघ है भारत। तो भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है। कोई भी राज्य या केंद्र स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे संविधान के स्वरूप में कोई परिवर्तन आए या हमारे संविधान का स्वरूप बदल जाए। तो भारतीय राज्य में संघीय व्यवस्था में राज्य का संविधान ही सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा जो भी अगर अलग स्टेट अपना अलग संविधान बनाते हैं तो वो भी उसी संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेगा जो कि हमारे केंद्र का संविधान है। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और इकाई मीन्स जैसे बात करें तो द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ चलती है। एक ओर केंद्र अपनी शासन व्यवस्था चलाता है, दूसरी ओर जो राज्य है जो प्रांत है वहां अपनी शक्तियां होती हैं। इन दोनों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। दोनों की निश्चित शक्तियां पावर होती हैं और कोई दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये होता है संघीय व्यवस्था का दूसरा फीचर्स कि केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही वो शक्ति है जो समय समय पर संविधान में संविधान का पुनरावलोकन करती है और केंद्र व राज्यों के बीच जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो संवैधानिक विवाद उत्पन्न होते हैं, उन पर भी निष्पक्ष रूप से उस विवाद का निपटारा करने का अधिकार भी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का है। और जहां संघीय व्यवस्था होगी वहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी ही होगी, सर्वोच्च न्याय जिसे कहते हैं। तो ये हमने बात की थी कि संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। चूंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में देखा जाए तो ये जो तीन फीचर्स हैं वो हमें ऊपर से ही दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है एक, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एकीकृत है। मीन्स सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है और राज्यों में और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा है। और हमारा जो भारतीय संविधान है वही हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। कोई भी राज्य कोई भी सरकार या कोई भी उसमें हेरफेर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, उन सब से बिल्कुल अलग संघीय व्यवस्था यहाँ फॉलो होती है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एकात्मक व संघात्मक दोनों का मिश्रण भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। पहला, भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप प्रादेशिक है। प्रादेशिक मीन्स कि यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था है। एक ओर केंद्र अपनी शासन करता है और दूसरी ओर राज्य सरकार अपनी शासन व्यवस्था करती है। केंद्र में संसद विधि बनाती है और राज्यों में विधान परिषद विधानसभाएं होती है, विधानमंडल है जो राज्यों के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से केंद्र व राज्य दोनों द्वैत शासन का दोहरे शासन की व्यवस्था करते हुए अपने अपने शासन व्यवस्था को लागू करते हैं। भारत एक विशाल राज्य है जिसमें कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 28 राज्य हैं और उनके अलावा हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी 8 है संख्या में। क्योंकि कश्मीर का जो विभाजन हुआ, कश्मीर को उसमें सम्मिलित किया गया और उसे भी आप केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान समय में 28 राज्य हमारे भारत में हैं जो अपने राज्यों के, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जहां मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, ये दोनों अपने मुख्यमंत्री राज्य का शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। और अगर हम कहें संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ नाम राष्ट्रपति और राज्यपाल का भी पद है जो कि राष्ट्रपति केंद्र में होता है और केंद्र की निगरानी करने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राज्यों में। तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में।
तो इस तरीके से भारत में प्रादेशिक स्वरूप है हमारी शासन व्यवस्था का। दूसरा, सशक्त केंद्र की व्यवस्था। हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, राज्य सरकारें अलग हैं, लेकिन एक मजबूत केंद्र को निर्माण किया गया है। मीन्स हमारे जो राज्य हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाए, और केंद्र जो है उसकी स्थिति काफी मजबूत है। केंद्र अगर चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, और हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया गया है। मीन्स राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जो भारत के संविधान और केंद्र के नियमों के विरुद्ध हो। तो इस तरीके से शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया गया है। तीसरा, संकट काल में एकात्मक स्वरूप। हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक फीचर्स के साथ साथ देखने को मिलता है कि अगर कभी संकट आपातकाल इमरजेंसी आ जाए या कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय में हमारे भारत का स्वरूप एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे शासन व्यवस्था की जो देखने को मिलती है, कि स्वरूप जो होगा, सारी शक्तियां जो होंगी वो पूरी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी, और केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर पूरे भारत का नियम कानून संचालित करेगा। लेकिन ये जो विशेषता होगी, एकात्मक स्वरूप जो होगा, वो सिर्फ संकट काल में आपातकाल के समय में ही होगा, और आपातकाल के बाद स्वयं फिर से राज्य सरकारें अपने अपने कार्य को करने लगेंगी। चौथा हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था सहकारी है। सहकारी से मतलब कि संघीय तो है, राज्य सरकारें अलग हैं, केंद्र सरकार अलग है, लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान ने विशेषता की है कि समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपालों के दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन होता है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषदों की बात की जाती है, और हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है जो राज्य व केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ एक सहयोगी के रूप में ये लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघीय व्यवस्था का नाम दिया है। पांचवा, एकल नागरिकता। तो मोस्टली देखा जाए तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता की बात होती है, जिस राज्य में निवास करते हैं उसकी नागरिकता प्राप्त होती है लोगों को, और जो संघ निर्मित होता है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हम सभी एकल नागरिकता के उसमें बने हैं। भारत के सभी नागरिक भारतीय होंगे, वो भले ही किसी भी प्रदेश में निवास करते हो, लेकिन वो सिर्फ भारतीय ही है। तो हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता की बात की जाती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, हमने जैसे बताया कि इमरजेंसी जब लगती है या आपातकाल या संकट का समय जब आता है, युद्ध है कोई या बाह्य आक्रमण हो जाता है या आंतरिक अशांति हो जाती है, उस समय पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, जिनमें की राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इमरजेंसी देश में लागू हो जाती है बाह्य आक्रमण के समय, और या किसी भी राज्य में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, उस समय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जिनका राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है, उस समय हमारे यहाँ हमारा जो संघ है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। सातवां, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद जो है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है, चूंकि एक संघ का निर्माण किया जाता है, प्रदेशों को अपनी शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार अपना कार्य करती है, लेकिन हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो अपने आप में केंद्र की निगरानी करने के लिए राज्यों में नियुक्त होता है, और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वो समय समय पर अपने राज्य में चल रही गतिविधियों से राष्ट्रपति को जानकारी देता रहे, ताकि केंद्र की जो शक्ति है, केंद्र शासन व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से कार्य करती रहे। एकीकृत न्यायपालिका, हमने जैसा बताया पहले कि हमारा जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो एकीकृत है, मीन्स ये अपने अलग अलग कार्य नहीं करेंगे, बल्कि इनकी एकीकृत प्रणाली है। सबसे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और संघीय व्यवस्था की ये विशेषता है कि जो
न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रहकर किसी भी विवाद का सुलझाव निपटारा कर सके। तो ये थी हमारे संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, फेडरल सिस्टम क्या है और भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो अगर हम देखें तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक के लक्षण लिए हुए संघ का निर्माण करती है और भारत एक राज्यों का एक संघ है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, और जिसकी अपनी और देशों से विश्व के जो प्रमुख विभिन्न बड़े राष्ट्र हैं उनसे अलग अपना एक संघ का निर्माण करती है। तो ये थी भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता। थैंक यू। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जाना फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम हमारे भारतीय संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए, साथ ही साथ भारत के नागरिक होने के कारण हम सभी के अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य बनते हैं जिससे हम देश के विकास में, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग अपना देते हैं। तो भारतीय संविधान में जब मौलिक संविधान हमारा बना उस समय मौलिक कर्तव्य नाम का कोई हमें क्लॉज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब हमारे संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य नाम का क्लॉज देखने को मिलता है, जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ग्रहण किए, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट लिया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए जोड़े गए। अच्छे नागरिक होने के लिए हमारे लिए जो कर्तव्य बने हैं उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो जब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उस समय पे 10 ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए, लेकिन 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया उसको हम भारतीय संविधान में भाग 4 का के नाम से जानते हैं और इनका जो वर्णन हुआ है वो अनुच्छेद 51 का में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान। तो भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने संविधान, अपनी सरकार, अपने राष्ट्र और भारत से जुड़ी हर जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनका सम्मान करें। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, उनका सम्मान करें और हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो। तो भारतीय जनता का ये कर्तव्य है कि अपने संविधान द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आदर्श प्रयोग किए गए उन्हें हृदय में सजाए। मीन्स हम सभी जानते हैं कि हमारा देश काफी वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा और उस अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कठिन समय झेला और कई सारे आंदोलन किए जिससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अब वर्तमान में हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उनके जो मुख्य आदर्श थे उनको हम सम्मान करें उनका, और उनके जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें, साथ ही साथ उनके द्वारा दिए गए आदर्शों का भी सम्मान करें और उन्हें भी अपने हृदय में संजोए रखें और अपने कार्य में परिलक्षित करें। तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। तो
एज ए इंडियन हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो और देश की संप्रभुता बनाए रखने में हमें सहायक हो। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारे देश की, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हो सके और देश की संप्रभुता बरकरार रहे। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा व देश की सेवा के लिए जब आह्वान किया जाए तो हम प्रस्तुत हो। तो देश की रक्षा, हमें हमारे जो भी कार्य हो वो देश हित में हो और जब भी जरूरत पड़े, जब आवश्यकता पड़े और देश की रक्षा का मामला हो, देश के हित के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े तो हम सबको तत्पर रहना चाहिए। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हमें क्या करना है कि हम सभी लोगों को, भारत के देशवासियों को मिलजुल कर प्यार से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि देश में भेदभाव बढ़े। भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर जो भी भेदभाव है उन्हें दूर करने की कोशिश करनी है। और हमारी जो पहले से चली आ रही प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनसे स्त्रियों का सम्मान कम हो, तो ऐसी प्रथाओं को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है अपनी संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, हम उनके महत्व को जाने, समझें और उनको समृद्ध करने की कोशिश करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और प्राणियों व जीवों के प्रति दया भाव दिखाएं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारा पर्यावरण, हमारे झील, नदी, तालाब, इन सबकी हमें रक्षा करनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का खतरा हो जाए और जो भी हमारे वन्य जीव जंतु हैं उन सभी की रक्षा करनी है। हमें ये करना है कि हमारे जो भी हम प्राणी हैं, जो भी वन्य जीव हैं, उन सब के प्रति हम दया भाव दर्शाएं। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सभी अगर चाहते हैं कि अपने समाज का विकास हो तो हमें चाहिए कि हम रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मीन्स तार्किकता समझकर ही हम चीजों को अपनाएं और मानववाद का विकास करें, ज्ञानार्जन करते रहें और हम अपने सोच में सुधार करें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए ताकि एक नए समाज का विकास हो सके। नवा हमारा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें और हिंसा, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिले और जहां तक है कोशिश करनी चाहिए कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए और उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। दसवां, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी को ऐसे कार्य करने हैं जो विकास के मार्ग में आगे बढ़ते जाए। हमारे जो भी कार्य हो, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हम करें, लेकिन वो समाज के हित में होने चाहिए जिससे कि हमारा विकास तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे राष्ट्र का विकास भी होगा। और एक अच्छे राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब वहां के नागरिक अच्छे हो और अपने देश के हित में कार्य करने वाले हो। तो ये थे हमारे 10 मूल कर्तव्य जो कि हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो लास्ट में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया
और वो क्या है, भारत के सभी जो भी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन सब का ये अधिकार कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें वो अवसर दें जिससे कि वो शिक्षित हो सके। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो है वो हमारा सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अब ये एक मौलिक कर्तव्य भी, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। साथ ही साथ यहाँ माता पिता के कर्तव्य में जोड़कर इसे महत्व दिया गया है। तो ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जो कि हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अपने इन कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। तो ये थे मौलिक कर्तव्य, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके अनुसार, जिनमें ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को अपनी नीति बनानी है, जिन्हें हम नाम दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य हेतु इन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो जानते हैं भाग 4 भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। बात करते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो जब हमारा मूल संविधान बना उस समय हमारे भारतीय संविधान सभा में वैधानिक अध्यक्ष थे, कानूनी सलाहकार थे B.N. Rao। उन्होंने भारतीय संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार रखने की बात की। एक वे मूल अधिकार जो व्यक्ति को दिए जाने चाहिए और न्यायालय में परिवर्तनीय होने चाहिए, और एक वे मूल अधिकार जो परिवर्तनीय न्यायालय में ना हो। लेकिन हमारे संविधानविदों ने उस बात को नहीं माना और राज्यों के 2 प्रकार के मौलिक तत्वों की, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की, बल्कि उसके स्थान पर एक तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए और दूसरे जो अधिकार जो B.N. Rao ने कहा था कि दूसरे न्यायालय में परिवर्तनीय ना हो, वैसे अधिकारों को उन्होंने नाम दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मीन्स राज्य सरकारें जो भी व्यवस्था करेंगी, जो भी कानून बनाएंगी, वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगी, लेकिन इसके लिए सरकार को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। या अगर कोई राज्य सरकार ये नीतियां अपने राज्य में लागू करने में असफल है तो उसके लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, न्यायालय में दावा नहीं कर सकता कि ये कार्य राज्य सरकारों द्वारा नहीं किए जा रहे। तो यही था भारतीय राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है और इसे हम जानते हैं भाग 4 के नाम से। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में इसे जाना जाता है। मतलब कि राज्यों के लिए कुछ दिशा निर्देश संविधान द्वारा दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर राज्य सरकारें अपने नीतियों का निर्धारण करेगी। अब बात करते हैं कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को हमारे भारतीय संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया। चूंकि भारतीय संविधान जब हम देखेंगे तो उसमें प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की बात की गई है, तो उसी राज्य को स्थापित करने के लिए, राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, समाजवादी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देशों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। लोक कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है, वह राज्य, वह सरकार जो सबके हित के लिए कार्य करेगी, अधिक से अधिक जनता का हित हो। समाजवादी जो सभी समाजों के हित के लिए कार्य करेगी। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक किन किन नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 36, सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है कि राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य से तात्पर्य क्या है, किसे राज्य माना जाता है। सिंपल है,
राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार, विधानसभाएं, विधान परिषद आदि की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। क्या परिवर्तनीय नहीं? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, लेकिन अगर राज्य सरकार अपने राज्यों में ये व्यवस्था नहीं लागू करवा सकती या राज्य सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो इनको इनके लिए राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था नहीं ठीक से कर पाती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मीन्स सामाजिक दृष्टि पे सभी वर्गों का हित हो, सभी समाज में सभी को समान दृष्टि से देखा जाए और सबके हित की बात की जाए। आर्थिक हित, आर्थिक व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। राजनीतिक स्थिति सबकी बराबर होनी चाहिए, सबके लिए न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये न्याय किन किन आधार पर होंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। और यही ये जो उद्देश्य है यही एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी आवश्यक होता है। अनुच्छेद 39, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण मीन्स राज्य सरकार ये व्यवस्था करेगी कि जो भी उसके पास संसाधन है, जो भी साधन है, उनका सबके लिए समान वितरण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में केंद्रीकृत ना रहे, बल्कि पूरे सभी जनों के पास समान मात्रा में वितरित होने चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग उनका लाभ उठा सके। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात मीन्स पहले समय में क्या था, भेदभाव किया जाता था, स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता था, धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, तो वो भेदभाव खत्म करने की व्यवस्था सरकार की होगी। राज्य सरकार ये व्यवस्था करेगी कि किसी भी समान कार्य के लिए, कोई भी कार्य जो स्त्री और पुरुष करते हैं समान रूप से, उसके लिए एक समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी के भी किसी का भी शोषण ना हो सके। इसी के साथ साथ 39 का अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था। ये जो हमारा 39 का है ये हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें कि ये कहा गया कि समान अवसर के आधार पर सभी के लिए न्याय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था करना। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि राज्य सरकार अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करे और उन पंचायती राज व्यवस्थाओं को, पंचायतों को इतना सशक्त बनाए जिससे कि वो अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके और एक लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था हो सके जहां शक्तियां विकेंद्रित हो, कहीं एक केंद्रित ना रहे। मतलब राज्यों में पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पंचायत त्रिस्तरीय भी हो सकती है और द्विस्तरीय भी हो सकती है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो कुछ दशाएं, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार हो, मीन्स राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या है उसमें कुछ बीमार हो सकते हैं, कुछ बूढ़े लोग हो सकते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी रोजगार की उचित व्यवस्था की जाए, तो कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार ये राज्य सरकार व्यवस्था करे कि सबके पास काम हो, बुढ़ापा है, बीमारी है, इन चीजों के लिए काम की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? कार्य करने के लिए न्याय संगत उचित मानवीय दशाओं की व्यवस्था। तो पहला तो कर्तव्य क्या होगा कि वो अपने जनसंख्या के लिए उचित कार्य की व्यवस्था करें। दूसरा, जो कार्य करने की दशाएं हैं, जहां मतलब व्यक्ति काम करेगा, वो दशाएं न्याय संगत होनी चाहिए, मानवीयोचित होनी चाहिए, मीन्स ऐसी होनी चाहिए जहां इजीली मनुष्य काम कर सके, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न उनका, जो भी कार्य करते हैं मजदूर हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनका कोई शोषण ना हो, उन्हें ऐसे स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो सही और सहज होकर कार्य
कर सके। अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों की व्यवस्था। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य है कि एक ऐसी मजदूरी निश्चित की जाए जिसमें कि व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। तो न्यूनतम मजदूरी की बात ये कर रहे हैं कि एक निश्चित दायरा हो मजदूरी का, जिससे कि शोषण की किसी का भी शोषण ना किया जा सके, कोई भी फर्म अपनी मनमानी ना कर सके। तो निश्चित निर्वाह मजदूरी जिसमें कि व्यक्ति अपना जीवन यापन सही से कर सके, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य का ये दायित्व है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दें, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराए जा सके। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, मीन्स सभी जो नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे यहाँ धर्म है निवास करते हैं, उन सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, जिससे कि सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो सके। लेकिन यहाँ हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनको इससे अलग किया गया है। मीन्स जैसे कि जो विवाह आदि की व्यवस्था है वो अपने धर्म के अनुसार हो सकती है, बल्कि केवल जो कॉमन सिविल कोड है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 में एक ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 45 क्या है, पहले ये जान लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन हमारे 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इस जो नीति निर्देशक तत्व था उसको यहाँ से हटाकर मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया। और वो कौन सा मौलिक अधिकार बन गया? मौलिक अधिकार बना 21A, जिसके अंतर्गत अब जो 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, उनका ये मौलिक अधिकार हो गया है कि उन्हें शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अगर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये इसमें चेंज किया गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मीन्स हमारी जो समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, SC और SST वगैरह जो जातियां हैं, उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, उन्हें उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। आर्थिक हितों को उनको ध्यान में रखकर राज्य सरकार कानून बनाएगी। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए, चूंकि ये जो विशेष जातियां हैं इनका कुछ समय पहले बहुत शोषण हुआ था, जिससे ये अपना विकास सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इनका उचित तरीके से विकास हो, इसलिए राज्य का ये दायित्व है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के अंतर्गत उचित इनके लिए आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर सके, ताकि इन जाति, विशेष जनजाति या समूह जो है उसका उचित रूप से विकास हो सके और उन्हें भी समानता के दायरे में लाया जा सके। अनुच्छेद 47 मद निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था। तो राज्य सरकार जो भी नीतियां लागू करेगी उनके अंतर्गत राज्य सरकार को ये देखना है कि कुछ हमारे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो दवाई के रूप में शामिल की जाती है, उनका प्रयोग हो, लेकिन उसके अलावा जो हमारे यहाँ मद पान की व्यवस्था है उसका निषेध राज्य में होना चाहिए। और राज्य के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था, सभी जनसंख्या को उचित रूप से पोषण तत्व मिलने चाहिए और राज्य के अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये राज्य सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की सुरक्षा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कृषि के लिए उचित व्यवस्था करेंगी, नई नई जो वैज्ञानिक तकनीक आई है उनका प्रयोग अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में बढ़ाएंगी, जिससे कि हमारी जो फसलों का विकास है, उनकी उत्पादकता है वो बढ़ सके। और पशुपालन के लिए जो हमारे पशु सम्मिलित होते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगी, जो पशु दूध देने वाले पशु हैं उनकी सुरक्षा करेंगी और पशुओं का जो बद व्यवस्था चल रही है उसको रोकेंगी। तो इस तरीके से जो हमारा अनुच्छेद 48 है वो कृषि पशुपालन के लिए व्यवस्था करता है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया, इसी के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट बना के 48A के साथ जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई पर्यावरण संरक्षण की, कि राज्य का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, वन नियम लाए जाए, वनों को सुरक्षित रखा जाए और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इसलिए अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। हमारे राज्य में जो भी हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे हमारा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, और हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके संरक्षण की व्यवस्था करें और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, ये भी राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिकाओं का पृथक्करण। अब कार्यपालिका क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कार्यपालिका कहलाती है, जैसे हमारी प्रधानमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका हमारा जुडिशियरी सिस्टम, जिसमें कि न्यायालय आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इन सब इन दोनों का पृथक्करण हो, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के कार्य में दखलअंदाजी ना दे सके, ताकि न्याय की जो व्यवस्था है वो उचित रूप से लागू हो सके, इसलिए अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था मीन्स हम राज्य का ये दायित्व है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक राज्य का बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय बात नहीं हो रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कायम रह सके, व्यक्ति मिलजुल कर रह सके और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना हो सके। तो इस प्रकार से हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो एक तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, दूसरा समाजवाद की स्थापना करते हैं। इनके अंतर्गत हम जो विचारधारा देखते हैं वो तीन प्रकार से देखते हैं, जिनमें की एक आती है गांधीवादी विचारधारा, दूसरा है उदारवादी विचारधारा और तीसरी है समाजवादी विचारधारा। वाद से तात्पर्य है किसी भी विचारधारा को मानने वाले, और गांधीवादी मीन्स जिन विचारों में गांधी जी के विचार दिखाई देते हैं वो गांधीवादी विचार हो गए, जो उदारवादी है वो उदारवादी हो गए, जिनमें समाज हित की बात आती है वो समाजवादी विचारधारा से विचारधारा के आधार पर होते हैं। ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हमें एक और इनका महत्व क्या है कि इनके आधार पर जो हमारी जनता है वो ये देख सकती है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार अपना कार्य सही से कर रही है या नहीं, अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर रही है या नहीं। तो ये जनता के लिए भी सरकार के जो कार्य है उनका निर्णय लेने के लिए कि वो कार्य सही से निर्वाह करती है या नहीं, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश देते हैं। एक और राज्य सरकार को दिशा निर्देश है कि वो अपनी कार्यशैली इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रख के करे, दूसरी तरफ जनसंख्या का भी एक नजरिया बन जाता है उन्हें देखने के लिए कि सरकार द्वारा जो कार्य दिए गए हैं वो अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे से कर रही है या नहीं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसके सरकार जो भी है, जो भी पार्टी है, उसको उसी आधार पर निर्वाचित करे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अपना महत्व है, जिस कारण से ये संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर हम लोग पहले पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो वे अधिकार जो व्यक्ति के लिए मौलिक रूप से जरूरी हैं, इसलिए हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में 5 मौलिक अधिकार पढ़े थे, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था। ये हमारा मौलिक अधिकारों पे 4th वीडियो है, जिसमें हमारा 6 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो रह गया था, जिसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नाम से ही क्लियर है कि संवैधानिक इसमें कोई व्यवस्था की गई है जिससे कि हमारे इससे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो सुरक्षित रहे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो रिट दायर कर सकती है, आदेश दे सकती है अपने से निम्न न्यायालय को और
पदाधिकारी को या राज्य सरकार को या जो भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। सॉरी, मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए इस संविधान का संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगर हमारे भारतीय संविधान से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर हटा दिया जाए तो हमारे इससे पहले जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षा के लिए ही ये अधिकार बनाया गया है कि हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय को शक्ति दी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। रिट मींस रिट होता है लेख या कहें ऑर्डर, आदेश, जो कि न्यायालय तब जारी करता है जब किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, जो रिट इस प्रकार है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय एक लेख जारी करता है जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायाधीश ये देखे कि उसकी गिरफ्तारी कानूनी तौर से सही है या नहीं, उसे गैरकानूनी तरीके से नजरबंद तो नहीं किया गया या उसकी जो गिरफ्तार किया गया है उसका जो कारण है वो उचित है या अनुचित। अगर किसी व्यक्ति को अनुचित या गैरकानूनी तरीके से नजरबंद किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय ये माने कि उसकी गिरफ्तारी अवैधानिक है या नियमों का उल्लंघन कर रही है तो वो उसे तुरंत रिहा करने का ऑर्डर देता है न्यायालय। तो इस तरीके से ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक है बंदी प्रत्यक्षकरण लेख, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा नजरबंद नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। दूसरा है परमादेश। परमादेश नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई आदेश है। ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तब जारी करते हैं जब कोई अधिकारी अपना कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं कर रहा हो। अधिकारियों से तात्पर्य सरकारी अधिकारी या कोई ऐसे संस्था जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो। तो अगर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी संस्था या किसी अधिकारी के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन कानूनी रूप से नहीं किया जा रहा या कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो न्यायालय परमादेश लेख रिट जारी करता है जिसके अंतर्गत वो संबंधित संस्था व अधिकारी को अपने कार्य को कानूनी रूप से करने का आदेश देते हैं। वो ये बताते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कानून की सीमा के अंतर्गत रहकर कीजिए या आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और गैर कानूनी है तो वो इस आदेश के द्वारा व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अपने पद का लाभ उठाने से रोकते हैं। तीसरा हमारा है प्रतिबंध लेख। ये लेख तब जारी करते हैं जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करते हैं, मीन्स जो कार्य उनके लिए निश्चित नहीं है या उनके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, फिर भी अगर व्यक्ति या संस्था या कोई न्यायालय या सरकार कोई कार्य कर रही है जो उसके अधिकार में नहीं है तो उसे वो कार्य करने से रोकने के लिए इस रिट को दायर जारी करता है न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय, जिससे कि व्यक्ति अपने अधिकार के अंतर्गत ना आने वाले कार्य को ना करे। उत्प्रेक्षण लेख।
उत्प्रेक्षण लेख क्या है? चौथा हमारा उत्प्रेक्षण लेख है, न्यायालय द्वारा ये तब द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही को अपने अधीन लेना। जब कोई अपर कोर्ट या उच्च न्यायालय ये जाने कि कोई निम्न उससे नीचे का जो न्यायालय, ये जो रिट है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी करता है और उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह को जारी करते हैं। कब? जब वो देखें कि वहां कोई भी जो केस है वो बहुत दिनों से लंबित है, बहुत दिनों से उनपे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जब वो चाहे कि वो उन्हें अपने समक्ष अपने अधीन ले ले, अपने अधिकार में ले ले, तो वो अपने से नीचे वाले न्यायालयों में चल रही कार्यवाही को वहां रोकने का आदेश देते हैं और उन कार्यवाही को अपने अंतर्गत अपने अधिकार में ले लेते हैं, जिससे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। पांचवा हमारा है अधिकार प्रक्षा लेख। अधिकार प्रक्षा लेख वो लेख है जिसके अंतर्गत कोई भी अधिकारी जो गैर कानूनी तरीके से जिसने पद प्राप्त किया गया हो उसे उसकी जांच करने के लिए न्यायालय जारी करता है, या किसी व्यक्ति को उस कार्य करने से रोकने के लिए जिसे करने के लिए वह कानूनी तौर पर योग्य नहीं है। मीन्स कोई व्यक्ति अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रहा है और जिसके लिए वो कानूनी तौर से नहीं बना है उस कार्य को वो करता है, तो अधिकार प्रक्षा लेख के द्वारा न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उससे जवाब तलब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप ये कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं और उसको उस कार्य को करने से रोकते हैं, या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की जांच करते हैं कि उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो आधिकारिक तौर पे उन कार्य को करने के योग्य है या नहीं। तो इस तरीके से ये पांच प्रकार के लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं, जिनके द्वारा हमारे मौलिक अधिकार जो हमें पहले दिए गए हैं उनकी रक्षा की जाए। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, ये हमारे संविधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसे हटा दिया जाए तो हमारे जो आगे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप से उनका महत्व कम हो जाएगा। तो इसके महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा ही हमारे आर्टिकल 32 को बोला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये था हमारे मौलिक अधिकार का छठवां अधिकार, जो हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें जो पहले अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा की जा सके। तो इसके साथ ही हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर। इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। ये हमारा मौलिक अधिकारों पर दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे विस्तृत रूप से एक एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी अधिकार व्यक्ति को मिले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार की, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 14 में क्या कहता है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होंगे। राज्य ऐसे कानून बनाएगा जो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री होगा या कोई गरीब है या कोई बहुत अमीर है तो उनके साथ कानून अलग अलग तरीके से व्यवहार करे। विधि के समक्ष जो भी जाएगा वो उनके समानता का वर्ताव उनके साथ किया जाएगा। वो जो भी व्यवहार करते हैं उसके लिए जो भी सजा या प्रावधान कानून में किया गया है वो सबको समान रूप से एक ही तरह से दिया जाएगा। तो विधि के समक्ष हमारे न्यायालय में जो भी जाए उसमें जाति, धर्म, लिंग या अमीर गरीब आदि का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा और विधि के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा हमारा जो समानता का अधिकार है वो क्या है, अनुच्छेद 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स
भारत में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी निवास करते हैं, उन सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए कि कोई महिला है या पुरुष का भेदभाव, या कोई श्रवण है या कोई दलित है, इसका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए और अपने समानता का अधिकार प्राप्त करे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव समान या सबको समान देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ये क्या बात की, ये बात इसलिए की गई है जब हमारा मूल संविधान बना तो भेदभाव नहीं किया जाएगा ये दिया गया, लेकिन जो हमारे सामाजिक दृष्टि से कुछ पिछड़े वर्ग हैं, जो सही रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, या शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग रह गए हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा, कोई जिससे कि उनका विकास भी समान गति से हो सके और वो भी समानता के श्रेणी में आ सके। तो अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के जो विषय हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जो विषय हैं, कोई भी सरकारी पद पर या किसी भी पद पर जॉब के लिए जो भी अप्लाई करेगा उनको समान दृष्टि से देखा जाएगा, तो कोई भेदभाव वहां भी नहीं होगा, सभी समान दृष्टि से देखे जाएंगे। लोक नियोजन में कोई भी सरकारी पद है या कोई भी नौकरियां हैं, उनमें सबको समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, इसके तहत विशेष वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि हमने अनुच्छेद 15(4) में देखा कि जो सामाजिक दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग थे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समानता के कानून अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि उन विशेष जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको भी समानता में लाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए विशेष हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार व भारत सरकार कोई कुछ प्रावधान कर सकती है। उसी के तहत ये प्रावधान है कि आरक्षण की व्यवस्था करके इन वर्गों को समानता की दृष्टि से बराबर किया जा सके। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पर्शता का अंत। अस्पर्शता मीन अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो हमारे समाज में बरसों से पुरानी एक बुराई चली आ रही थी, जहां लोग एक दूसरे को छुआछूत और अछूत मानते थे, उसका अंत इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अगर वर्तमान समय में कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का अस्पर्शता करता है या छुआछूत आदि कोई देखा जाता है समाज में, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो इस आर्टिकल 17 कहता है अस्पर्शता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय राज्य सेवा क्षेत्र में, सेना में और शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे वर्तमान समय में सेना में और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपाधियां दी जाती है, लेकिन जैसे पहले समय में उपाधियां दी जाती थी, जैसे केसरे हिंद की उपाधि आपने नाम सुना होगा और राजा की उपाधि दे दी किसी को, तो ये उपाधियों का अंत करके सभी को समानता की दृष्टि से समान किया जाएगा। तो ये था हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने जाना किस किस प्रकार की समानता भारतीयों को मिलती है, भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार कैसे प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरी स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक किया जाता है। तो स्वतंत्रता अगर किसी से छीन ली जाए तो क्या व्यक्ति का सही विकास हो सकता है? अगर मान लीजिए आपसे बोलने की, आपसे कहीं भी रहने की, घूमने की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो आपका विकास वहीं रुक जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना सही से विकास कर सके। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात मौलिक अधिकारों के अंतर्गत की गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जब मूल संविधान बना तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन बाद में संपत्ति के जो स्वतंत्रता थी उसे वहां से हटा दिया गया और अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। वो क्या क्या है? पहली है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, ये उसका मूल अधिकार है, ये उससे कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपना किसी भी स्थान पर सम्मेलन आयोजित कर सके, बशर्ते वो सम्मेलन शांतिपूर्ण हो, वहां किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना किया जाए। तीसरी हमारी है समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो सभी को अपने अपनी कम्युनिटी, अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता यहाँ मिलती है, और वो उस संघ के लिए, अपने समुदाय के लिए विशेष कार्य कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये स्वतंत्रता मिली है कि हम भारत क्षेत्र में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, पांचवी स्वतंत्रता हमारी कैसी है, निवास। हमें ये स्वतंत्रता है कि हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता, और छठी और आखिरी स्वतंत्रता क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्रता, हमें फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार अपना कोई मनपसंद व्यवसाय अपने लिए चुन सके। तो ये हमारी स्वतंत्रता हो जाती है जो आर्टिकल 19 के तहत वर्णित है भारतीय संविधान में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दो सिद्धि। तो व्यक्ति जब अपराध करता है उस समय में भी उसका कुछ स्वतंत्रताएं उसे मिली है, जिससे कि किसी को भी किसी का भी कोई व्यक्तित्व का हनन ना हो। तो जानते हैं अपराध के दो सिद्धि के लिए क्या है स्वतंत्रता, कि जिस व्यक्ति का अपराध जिसने किया है उसे उसी समय के कानून के तहत सजा व सजा मिलनी चाहिए जब उसने अपराध किया था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2000 में अपराध किया, उस समय उस अपराध के लिए जो सजा थी वो 6 महीने थी, और मान लीजिए वर्तमान समय में वो सजा बढ़ गई है और अब वो सजा 12 महीने की हो गई है। तो उस व्यक्ति ने जब वो अपराध किया था उसी समय के आधार पर उसे सजा मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। दूसरा क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये उसको अधिकार है उस समय में भी जब उसका अपराध उसने किया, दोष सिद्ध हो गया है, कि उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं आप कि वो स्वयं के विरुद्ध गवाही दे कि उसने अपराध किया है। अगर वो निर्दोष है तो वो अपने आप को निर्दोष कहेगा, लेकिन आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो अपने अपराध के लिए जबरदस्ती उसे गवाही देने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। दूसरा, एक ही बार सजा। तो व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके लिए उसे एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार एक अपराध के लिए उसे बार बार पुनः सजा नहीं दी जाएगी। तो ये था अपराध व दोष सिद्धि के समय क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम जानते हैं कि जब आपातकाल लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार वही स्थगित हो जाते हैं, लेकिन ये अधिकार हमारा बना रहता है, हमें तब भी जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हमें बनी रहती है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किए हैं और इसका विस्तार समय समय पे होता चला जा रहा है। जैसे निजता को भी इसी के अंतर्गत लाया गया है। आर्टिकल 21A ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया। और ये क्या है, ये 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य प्राथमिक व निशुल्क शिक्षा का अधिकार, मीन्स 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक भारतवर्ष में निवास करते हैं उन्हें ये अधिकार है कि उन्हें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के संरक्षण के लिए अधिकार। तो ये गिरफ्तारी मीन्स किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उस समय भी उसको स्वतंत्रता है तीन प्रकार की। वो तीन प्रकार की स्वतंत्रता क्या है, पहला है कारण पूछने का अधिकार। उसे ये अधिकार है कि वो जिस समय उसकी गिरफ्तारी हो रही है तो वो कारण जाने कि किस कारण उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे रीजन जानने का अधिकार है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित किया जाना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक आप जेल में नजरबंद नहीं कर सकते हैं, ये उसके पास अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर ही
मजिस्ट्रेट के सामने जो भी नजदीकी न्यायालय होगा और मजिस्ट्रेट है उसके सामने उपस्थित करें ताकि उसका दोष सिद्ध हो। तीसरा है मनपसंद कानूनी सलाह। उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना मनचाहे वकील अपने लिए नियुक्त कर सके और अपनी कानूनी सलाह ले सके। तो ये थे स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। बस आगे वीडियो में हम अपने नेक्स्ट अधिकारों को जानेंगे। अभी हमने दो कराए हैं और इसके बाद हमारे चार बचते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड। हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में और ये मौलिक अधिकारों पे हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने जाना समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार और आज इस वीडियो में हम तीन अधिकारों को और जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। हमारा तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इस अधिकार का संविधान में वर्णन किया गया है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो मौलिक ये किसी भी व्यक्ति या मानव का क्रय विक्रय पे रोक लगाता है। किसी से जबरन कोई काम नहीं लिया जा सकता। बलात्श्रम, जबरदस्ती किसी से भी श्रमिक श्रम नहीं लिया जा सकता, उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। बिना किसी की मर्जी के किसी भी व्यक्ति से कार्य नहीं करवाया जा सकता। बंधुआ मजदूरी, बिना किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो अनुच्छेद 23 कहता है सभी नागरिकों का ये अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर उसका कहीं शोषण होता है, कोई उससे जबरदस्ती कार्य करवाता है या उसका मानव व्यापार कराया जाता है, क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, तो उसको ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए और अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने व संकट ग्रस्त का जगह पर कार्य करने पर रोक लगाता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनसे जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता। ये उनका एक मौलिक अधिकार है। यदि किसी बच्चे से किसी कारखाने में या कहीं जबरदस्ती कार्य कराया जाता है तो वो इस आर्टिकल के तहत अपने शोषण के विरुद्ध इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है और न्यायालय की शरण में जा सकता है। चौथा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। इसके अंतर्गत भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो देश भारतीय हो या विदेशी हो, सभी को अपना धर्म मानने की आजादी स्वतंत्रता दी गई है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं व अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। व्यक्ति जो भी धर्म को मानता है उससे जुड़ा कोई भी प्रबंधन कर सकता है, अपने धर्म से जुड़ी संस्थाएं बना सकता है और उनका प्रबंधन वो कर सकता है। प्रबंधन से तात्पर्य है उनके रख रखाव के लिए वो चंदा इकट्ठा कर सकता है या चंदा इकट्ठा कर सकता है और समुदाय बना सकता है जो किसी भी धर्म से जुड़े हो सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित का अधिकार, मीन्स जो भी संस्थाएं हैं जिस भी धर्म को से जुड़ी है उस धर्म से जुड़े कार्य करने के लिए उन्हें संपत्ति के रख रखाव का अधिकार दिया गया है कि वो अपने धर्म को माने, उसके प्रचार प्रसार में संपत्ति का रख रखाव करें और उसका अपने इस अधिकार को प्रयोग करें। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 के तहत क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य की हो, सरकार द्वारा घोषित होगी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और बल्कि क्या होगा कि जो शिक्षण संस्थाएं राज्य जो शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा के लिए बनी हैं उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को
उपासना प्रार्थना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, वो वहाँ उपस्थित हो या ना हो ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर किसी भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है किसी भी संस्था में, तो जो व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से वहाँ उपस्थित हो सकता है, उसे जबरदस्ती किसी भी उपासना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसको धार्मिक शिक्षा संबंधी उपासना संबंधी स्वतंत्रता दी गई है। पांचवी हमारी जो मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को दिया गया है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य वो वर्ग जो संख्या में बहुत कम बचा है, तो उसकी संस्कृति, उसके संस्कृति के संरक्षण, उसकी सभ्यता को बचाए रखने के लिए उन्हें ये अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। उनकी संख्या वैसे ही समाज में कम है और वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए उनके हितों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने हितों की रक्षा करें। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, और उन्हें ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अनुसार कि वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने सभ्यता को बचाए रखने के लिए उनसे जुड़ी हुई शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सके, उनका प्रशासन कर सके और वहां अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रख सके। तो ये जो अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हो जाते हैं। पांच मौलिक अधिकार अब तक हमने अपने वीडियोस में बता चुके हैं और हमारा एक अंतिम मौलिक अधिकार बचा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, वो है छठा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस है, पेपर सेकंड, इसमें हमारा आज का टॉपिक है संघीय व्यवस्था व केंद्र राज्य संबंध। फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था मींस संघ किस प्रकार से होते हैं। तो अगर हमें पढ़ना यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि संघीय व्यवस्था के रूप किस तरीके से होते हैं। तो साधारणतः केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो वितरण है उसके आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था। उसी को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण व एकत्रण के आधार पर विश्व की राजनीति व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, एकात्मक संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है? चूंकि एकात्मक जो राज्य होते हैं वो उन एकात्मक सरकार शासन व्यवस्था उन राज्यों के लिए उपयुक्त होती है जहां छोटे राज्य हो, जनसंख्या समान जनसंख्या निवास करती हो, अधिक धर्म जाति व समुदाय के लोग ना रहते हो, तो उस राज्य में शासन करना सिंपल होता है, तो एकात्मक सरकार वहां सही होती है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, श्रीलंका, इस तरीके की जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरा है संघात्मक, बड़े जो राज्य हैं, जो एरिया वाइज बहुत बड़े हैं और जहां पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसमें विभिन्नताएं हैं, धर्म, अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं से जुड़े लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, तो उन क्षेत्रों पर जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ निवास करते हैं और काफी बड़ा समुदाय है, वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था इजी रहती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरकार केंद्र व राज्यों के बीच में सरकार के जो शक्तियां प्राप्त है, या तो वो एक ही जगह एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगी या वो विभिन्न समुदायों में विभक्त होंगी, तो उस आधार पर विश्व की जो राजनीति है उसे दो भागों में बांटा गया है, एकात्मक व संघात्मक। एकात्मक सरकार से तात्पर्य है एकात्मक व्यवस्था में प्रत्यक्ष संप्रभु के हाथों में राज्य सत्ता केंद्रीकृत होती है, मीन्स
जो व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होता है वह राजा हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ रहा उसी में निहित होती हैं सारी पावर, सारी शक्तियां। वही एकमात्र कार्यकर्ता होता है, पूरी जो भी शासन व्यवस्था है उसकी बागडोर उसी के हाथ में होती है। उसके विपरीत संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान द्वारा स्थापित व नियंत्रित विभिन्न इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। जैसे संविधान, वहां के संविधान द्वारा कुछ इकाइयां निश्चित की गई हैं, कुछ राज्य हैं जो उसी संविधान के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उसी के द्वारा वहां शासन होता है। उनके बीच जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके बीच शक्तियों का वितरण होता है, तो वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। जैसे हम अपने भारत को देखें तो भारत का जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह ना तो एकात्मक है और ना संघात्मक है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से विशेष उनके विशेष क्वालिटीज ली थी, उनके बहुत अच्छे बेहतरीन गुण लिए। लेकिन भारत एक विशाल जनसंख्या और विभिन्न जाति संप्रदाय वाला देश है और बहुत विस्तृत इसका एरिया है, यहाँ अलग अलग राज्य हैं, तो वहां संघात्मक सरकार किस प्रकार से होगी। तो इस तरीके से अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक व एकात्मक दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे अर्ध संघात्मक का नाम भी दिया है। अब बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो होती है उसके क्या क्वालिटीज हैं। अगर संघीय व्यवस्था में देखा जाए तो तीन प्रमुख उसकी विशेषताएं होती हैं, वो निम्न है। राज्य का संविधान देश की सर्वोच्च विधि, इसकी पहली क्वालिटी है कि कोई भी संघीय व्यवस्था होगी, कोई भी फेडरल सिस्टम होगा, वहां राज्य का जो संविधान होगा कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे देश की सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करेगा। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। तो जानते हैं राज्य का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जो हमारा संविधान है वो सर्वोच्च विधि है, क्योंकि वो ऐसे संघ का निर्माण करता है। हमारे संविधान में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था के नाम के स्थान पर क्या नाम दिया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है भारत। तो भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है, कोई भी राज्य या केंद्र स्वयं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे संविधान के स्वरूप में कोई परिवर्तन आए या हमारे संविधान का स्वरूप बदल जाए। तो भारतीय राज्य में संघीय व्यवस्था में राज्य का संविधान ही सर्वोच्च विधि के रूप में कार्य करता है। उसके अलावा जो भी अगर अलग स्टेट अपना अलग संविधान बनाते हैं तो वो भी उसी संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करेगा जो कि हमारे केंद्र का संविधान है। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र और इकाई मीन्स जैसे बात करें तो द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ चलती है। एक ओर केंद्र अपनी शासन व्यवस्था चलाता है, दूसरी ओर जो राज्य है जो प्रांत है वहां अपनी शक्तियां होती हैं। इन दोनों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, दोनों की निश्चित शक्तियां पावर होती हैं और कोई दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये होता है संघीय व्यवस्था का दूसरा फीचर्स कि केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही वो शक्ति है जो समय समय पर संविधान में संविधान का पुनरावलोकन करती है और केंद्र व राज्यों के बीच जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो संवैधानिक विवाद उत्पन्न होते हैं उन पर भी निष्पक्ष रूप से उस विवाद का निपटारा करने का अधिकार भी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का है। और जहां संघीय व्यवस्था होगी वहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी ही होगी, सर्वोच्च न्याय जिसे कहते हैं। तो ये हमने बात की थी कि संघीय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। चूंकि भारतीय संघीय व्यवस्था में देखा जाए तो ये जो तीन फीचर्स है वो हमें ऊपर से ही दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है एक, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एकीकृत है, मीन्स सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है और
राज्यों में और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा है और हमारा जो भारतीय संविधान है वही हमारे देश की सर्वोच्च विधि है। कोई भी राज्य, कोई भी सरकार या कोई भी उसमें हेरफेर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, उन सब से बिल्कुल अलग संघीय व्यवस्था यहाँ फॉलो होती है। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एकात्मक व संघात्मक दोनों का मिश्रण भारतीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, पहला, भारतीय संघीय व्यवस्था का स्वरूप प्रादेशिक है। प्रादेशिक मीन्स कि यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था है। एक ओर केंद्र अपनी शासन करता है और दूसरी ओर राज्य सरकार अपनी शासन व्यवस्था करती है। केंद्र में संसद विधि बनाती है और राज्यों में विधान परिषद, विधानसभाएं होती है, विधानमंडल है, जो राज्यों के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इस तरीके से केंद्र व राज्य दोनों द्वैत शासन का, दोहरे शासन की व्यवस्था करते हुए अपने अपने शासन व्यवस्था को लागू करते हैं। भारत एक विशाल राज्य है जिसमें कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो 28 राज्य हैं और उनके अलावा हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी 8 है संख्या में। क्योंकि कश्मीर का जो विभाजन हुआ, कश्मीर को उसमें सम्मिलित किया गया और उसे भी आप केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वर्तमान समय में 28 राज्य हमारे भारत में हैं, जो अपने राज्यों के, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जहां मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, ये दोनों अपने, मुख्यमंत्री राज्य का शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। और अगर हम कहें संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ नाम राष्ट्रपति और राज्यपाल का भी पद है, जो कि राष्ट्रपति केंद्र में होता है और केंद्र की निगरानी करने के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राज्यों में। तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग राज्यपाल होता है जो कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में। तो इस तरीके से भारत में प्रादेशिक स्वरूप है हमारी शासन व्यवस्था का। दूसरा, सशक्त केंद्र की व्यवस्था। हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, राज्य सरकारें अलग है, लेकिन एक मजबूत केंद्र को निर्माण किया गया है। मीन्स हमारे जो राज्य हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो जाए, और केंद्र जो है उसकी स्थिति काफी मजबूत है। केंद्र अगर चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है और हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया गया है। मीन्स राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जो भारत के संविधान और केंद्र के नियमों के विरुद्ध हो। तो इस तरीके से शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया गया है। तीसरा, संकट काल में एकात्मक स्वरूप। हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक फीचर्स के साथ साथ देखने को मिलता है कि अगर कभी संकट, आपातकाल, इमरजेंसी आ जाए या कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय में हमारे भारत का स्वरूप एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे शासन व्यवस्था की जो देखने को मिलती है, कि स्वरूप जो होगा, सारी शक्तियां जो होंगी वो पूरी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी और केंद्र एकात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर पूरे भारत का नियम कानून संचालित करेगा। लेकिन ये जो विशेषता होगी, एकात्मक स्वरूप जो होगा, वो सिर्फ संकट काल में, आपातकाल के समय में ही होगा और आपातकाल के बाद स्वयं फिर से राज्य सरकारें अपने अपने कार्य को करने लगेंगी। चौथा, हमारा भारत की संघीय व्यवस्था सहकारी है। सहकारी से मतलब कि संघीय तो है, राज्य सरकारें अलग हैं, प्रदेश केंद्र सरकार अलग है, लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान में, संविधान ने विशेषता की है कि समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपालों के दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन होता है, हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषदों की बात की जाती है और हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय है जो राज्य व केंद्र के बीच वित्त व बंटवारा करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ एक सहयोगी के रूप में ये लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघीय व्यवस्था का नाम दिया है। पांचवा, एकल नागरिकता। तो मोस्टली देखा जाए तो
संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता की बात होती है, जिस राज्य में निवास करते हैं उसकी नागरिकता प्राप्त होती है लोगों को, और जो संघ निर्मित होता है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हम सभी एकल नागरिकता के उसमें बने हैं। भारत के सभी नागरिक भारतीय होंगे, वो भले ही किसी भी प्रदेश में निवास करते हो लेकिन वो सिर्फ भारतीय ही है, तो हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता की बात की जाती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, हमने जैसा बताया कि इमरजेंसी जब लगती है या आपातकाल या संकट का समय जब आता है, युद्ध है कोई या बाह्य आक्रमण हो जाता है या आंतरिक अशांति हो जाती है, उस समय पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें की राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इमरजेंसी देश में लागू हो जाती है बाह्य आक्रमण के समय, और या किसी भी राज्य में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है, उस समय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जिनका राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो जब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग करता है उस समय हमारे यहाँ हमारा जो संघ है वो एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। सातवां, राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का पद जो है वो अपने आप में विशेष महत्व रखता है, चूंकि एक संघ का निर्माण किया जाता है, प्रदेशों को अपनी शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार अपना कार्य करती है, लेकिन हमारे यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो अपने आप में केंद्र की निगरानी करने के लिए राज्यों में नियुक्त होता है, और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वो समय समय पर अपने राज्य में चल रही गतिविधियों से राष्ट्रपति को जानकारी देता रहे, ताकि केंद्र की जो शक्ति है, केंद्र शासन व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से कार्य करती रहे। एकीकृत न्यायपालिका, हमने जैसा बताया पहले कि हमारा जो न्यायपालिका का सिस्टम है वो एकीकृत है, मीन्स ये अपने अलग अलग कार्य नहीं करेंगे बल्कि इनकी एकीकृत प्रणाली है। सबसे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और संघीय व्यवस्था की ये विशेषता है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रहकर किसी भी विवाद का निपटारा कर सके। तो ये थी हमारे संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, फेडरल सिस्टम क्या है, और भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या प्रमुख विशेषता है। तो अगर हम देखें तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक के लक्षण लिए हुए संघ का निर्माण करती है, और भारत एक राज्यों का एक संघ है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, और जिसकी अपनी और देशों से विश्व के जो प्रमुख विभिन्न बड़े राष्ट्र हैं उनसे अलग अपना एक संघ का निर्माण करती है। तो ये थी भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता। थैंक यू।